इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने अपने पैलेस को काफी खूबसूरत बनाकर रखा हुआ था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में आ जाती है। अब ऑब्वियसली वो औरत बूढ़ी थी, इसीलिए शक्ल सूरत से प्यारी नहीं थी। अब वो बूढ़ी औरत प्रिंस के ऑनर में उसे रोज फ्लावर गिफ्ट देती है। प्रिंस सोचता है कि इस बूढ़ी औरत की हालत खराब है, वो एक बूढ़ी औरत है और उसकी शक्ल सूरत भी प्यारी नहीं है, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है, हंसने लगता है और उस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करते हुए प्रिंस ने उसके फ्लावर को फेंक दिया। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं होती, बल्कि वो इंसान के दिल में पाई जाती है। लेकिन प्रिंस उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लेडी में बदल गई। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। वो जादूगरनी समझ गई थी कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए वो प्रिंस को अपने मैजिक से जानवर यानी बेस्ट बना देती है। प्रिंस उस जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जादूगरनी के इस मैजिक की वजह से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रिंस को भूलने लगे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था, बल्कि मैजिकल फ्लावर था, जादुई फूल था वो। और फ्लावर एक्सेप्ट ना करने पर उस जादूगरनी ने प्रिंस को ये कर्स दे दिया। और ये कर्स तभी खत्म होगा जब प्रिंस को उस फ्लावर की आखिरी पेटल यानी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस से किसी ने प्यार ना किया तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा दोबारा, बल्कि बेस्ट ही रहेगा वो हमेशा। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस पैलेस में कोई भी नहीं आता। फिर हमें पैलेस के करीबी एक गाँव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बेल। बेल को किताबें पढ़ने, स्टोरीज पढ़ने का काफी शौक था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी गाँव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है गैस्टोन। गैस्टोन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक प्राउड इंसान था। गैस्टोन बेल से शादी करने के लिए उसे अपना बनाने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया करता था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। एक दिन बेल के फादर को कहीं पर जाना था। जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वो एक जंगल था। बेल के फादर देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर एक और रास्ता भी था जहाँ पर वो मुड़ जाते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पर सवार होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वो आ जाते हैं बीस्ट के पैलेस के पास। बेल के फादर जब अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पैलेस में कोई रहता है, कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं, लेकिन हम फिर बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। वहाँ पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि ये कोई सॉल है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बेल के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बेल के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कब कैसे बोल पाया। असल में बात ये है कि वहाँ पर यानी पैलेस में जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के कर्ज की वजह से वो सब चीजों में बदल गए। बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी बेल ने अपने लिए फ्लावर मंगवाया था, इसीलिए वहाँ से वो एक फूल तोड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। फ्लावर चोरी करने की पनिशमेंट देने के लिए बीस्ट उन्हें प्रिजनर बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसके फादर नहीं आए, तो वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। वो घोड़ा बेल को ले आता है पैलेस में, और पैलेस में ही बेल के फादर को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था। बेल जब पैलेस के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है, लेकिन उसे आगे से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। बेल वहाँ पर आवाजें सुन पा रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बेल उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को कैद करके रखा गया था, प्रिजनर बनाकर। बेल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन बेल के वहाँ से निकलने से पहले ही बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बीस्ट था तो काफी खतरनाक
खतरनाक लग रहा था और काफी डरावना भी। लेकिन बेल बीस्ट को ये बात शो होने नहीं देती कि वो उसे डर रही है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने फादर से मिले। बेल बीस्ट को कहती है कि तुम कितनी जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक फ्लावर ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था, इसीलिए मैं हर सूरत अपने फादर से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है, लेकिन वो अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है और इसके बाद दरवाजा बंद कर देती है। अब बीस्ट के अकॉर्डिंग वो दरवाजा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वो बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल के फादर की जगह पर अब खुद बेल वहाँ पर कैद हो गई थी। इसके बाद बीस्ट बेल के फादर को वहाँ से ले जाकर आजाद कर देता है, उसे छोड़ देता है। अब बेल वहाँ पर कैद हो जाती है, लेकिन जब बीस्ट वहाँ पर नहीं होता तभी घड़ी और एक कैंडल स्टैंड बेल के पास आते हैं। ये चीजें इंसान थी, लेकिन कर्ज की वजह से घड़ी और कैंडल स्टैंड में चेंज हो गई है। लेकिन ये इंसानों की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल भी सकते हैं। वो दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ साथ आओ। वो बेल को कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो उन्हें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। वो बेल को रहने के लिए एक रूम देते हैं। जब इस बात का बीस्ट को पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पर गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद ये ही वो लड़की है जो हमें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए, उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसे प्यार भी करना चाहिए। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को उन पर गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूं, उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके सारे लोग उसे काफी इंसिस्ट करते हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उन सबके कर्ज होने की रीजन कोई और नहीं बल्कि बीस्ट है। बीस्ट बेल के पास जाता है। वो बेल को कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो, पहले तुमने मेरे फादर को प्रिजनर बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है कि जो भी हो जाए तुम तो मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, जिस पर बीस्ट कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं, तुम्हें भूखा ही मारूंगा अब मैं, अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा और तुम भूखी ही मरोगी। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और वो वहां से चला जाता है। जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था उसे देखकर वहां सभी कर्ज चीजें लाइक कैंडल स्टैंड, घड़ी, पिच कप, उन सबको ये कंफर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें कर्ज से निजात दिलाएगी। फिर हम देखते हैं बीस्ट को जो कि उसी रोज फ्लावर के पास जाता है। बीस्ट देखता है कि उस फ्लावर की बहुत सारी पंखुड़ियां गिरकर टूट गई हैं। ये वही रोज फ्लावर था जिसकी खत्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जानवर ही रहेगा और पैलेस की जितनी भी कर्ज चीजें हैं वो सारी ऐसे ही रहेंगी, हमेशा के लिए भी जान बन जाएंगी। वो फ्लावर पर बहुत ही थोड़ी पंखुड़ियां रह गई हैं और वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के फादर को जो कि वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सब लोगों को बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, जंगल के पास एक पैलेस है और वहां पर एक बीस्ट रहता है और वहीं पर मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी उनकी इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इस बात को कहानी ही समझ रहे थे। लेकिन गैस्टोन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचा लाने के लिए। तब गैस्टोन और उसका एक साथी बेल के फादर के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे वो रास्ता इन्हें कहीं पर मिलता ही नहीं है। गैस्टोन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। वो बेल के फादर को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्टोन बेल के फादर को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करूंगा, जिस पर बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्टोन को काफी गुस्सा आता है। वो बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उन्हें एक ट्री के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो भेड़ियों का इलाका था और भेड़िये उन्हें मारकर खा लेंगे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसे उसके गांव से निकाल दिया गया था और उसका नाम था अगथा। अगथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। पैलेस में हम बेल को देखते हैं जो कि उसी रोज फ्लावर के पास आ जाती है। बेल उस फ्लावर को टच करने ही वाली होती है कि वहाँ पर आ जाता है बीस्ट। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम अभी क्या करने वाली थी, अभी हम सब के सब मारे जाते। बीस्ट गुस्से में आकर बेल से कहता है कि चली जाओ यहाँ से। तब बेल रोते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है। घोड़ी पर बैठकर जब बेल जंगल पार कर रही होती है तब वहाँ पर बहुत सारे भेड़िये आकर बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िये बेल को कोई नुकसान पहुंचाते वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो उन भेड़ियों का काफी मुकाबला करता है, उन्हें काफी मारता है। बीस्ट उन सब भेड़ियों को वहाँ
उसे मार भगाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। बेल अभी घोड़े पर बैठकर वहां से जाने ही वाली होती है तो वो देखती है कि बीस्ट जमीन पर गिर गया है। क्योंकि वो काफी इंजर्ड है, उसकी हालत काफी खराब हो गई है। अब क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी, उसे नई जिंदगी दी थी, इसीलिए बेल वहां से जाने की बजाय उसके पास आ जाती है। बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद ही उठना होगा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए बीस्ट खड़ा हो जाता है। बेल उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर पैलेस में वापस ले आती है। बेल एक बार फिर से वापस उसी पैलेस में आ गई थी। पैलेस की सारी कर्ज चीजें बेल को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहते थे कि बेल यहीं रहे इसी पैलेस में। बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, जिसकी वजह से कर्ज खत्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो चीजें बेल को सारी स्टोरी नहीं बताती, ना ये बताते हैं कि वो इस कर्ज से कैसे आजाद होंगे, बल्कि सिर्फ ये बताते हैं कि जब उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी, हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। बेल जब बीस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल का इंटरेस्ट बुक में, स्टोरी में और पोएट्री में बहुत ज्यादा था, लेकिन उस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है। ये बात बेल को काफी हैरान कर देती है। बेल उससे पूछती है कि क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते रहते हो। बीस्ट कहता है कि मैं लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत इनकी पोएट्री नहीं पढ़ता, बल्कि मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा पोएट्री के बारे में जानता हूँ। इस पर बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की कहानियां बहुत पसंद है। जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में बहुत इंटरेस्ट है, अगर तुम कुछ पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि काफी बड़ी थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा बुक्स थी। बेल उन बुक्स को देखकर काफी शॉक्ड भी रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी और यहाँ पर तो उसे इतनी सारी बुक्स मिल गई है। बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। ये बात बेल को काफी खुश कर देती है। फिर वक्त के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफी टाइम गुजारने लगे, इन दोनों की दोस्ती हो गई, वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स उन्हें पता भी चल गए, दोनों साथ मिलकर खाना भी खाते थे। फिर बीस्ट बेल को गाना भी गाकर सुनाता है और बीस्ट बेल को एक बुक भी दिखाता है, जो कि एक जादुई बुक थी। वो कहता है कि ये बुक मुझे किसी जादूगरनी ने दी थी और इस किताब की मदद से हम लाइफ के किसी भी टाइम में जा सकते हैं, लाइक हम पास्ट टाइम में जा सकते हैं, फ्यूचर टाइम में जा सकते हैं। बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मदर से आखिरी बार मिली थी। बेल जब उस टाइम में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए बेल की मदर ने बेल के फादर को कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, ताकि मेरी बेटी को भी ये इन्फेक्शन ना लग जाए। ये जानने के बाद बेल काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि बेल ये बात नहीं जानती थी। फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को काफी मनाने की कोशिश करता है और बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बीस्ट को इस बात के लिए एग्री कर लेती है। वो पहले बीस्ट को तैयार करती है और बाद में वो बेल को भी तैयार कर देती है। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों डांस करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गांव में आ गए हैं। वो सबको बताते हैं कि गेस्टों ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था, ताकि भेड़िए आकर उन्हें खा लें। वहीं बेल के फादर के साथ अगथा भी होती है, लेकिन गेस्टों इस बात पर एग्री नहीं करता, बल्कि वो मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर शैतान आ गया है और ये पागल हो गया है। साथ साथ वो कहता है कि अगथा की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि ये तो पहले ही गांव से निकली हुई है। यहां पर गेस्टों का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि गेस्टों जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसीलिए सब गांव वाले गेस्टोन की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और सब लोग ये समझने लगते हैं कि बेल के फादर का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है। साथ साथ उनके ऊपर कोई शैतानी साया भी है, इसी वजह से वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं पैलेस में, जहाँ पर बीस्ट और बेल डांस कर रहे थे और वो डांस को काफी इंजॉय कर रहे थे, उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था। बीस्ट बेल को कहता है कि मैं इन फीलिंग्स को काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं तो इन्हें जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। बीस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो। जिस पर बेल कहती है जी हाँ, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है, जिसकी मदद से वो हर उस पर्सन को देख सकते हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं, और उस मिरर में वो बेल को उसके फादर को दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को प्रिजनर बनाया हुआ है, बांधा हुआ है। ये देखकर बेल काफी अपसेट हो जाती है। जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ साथ बीस्ट बेल को वो जादुई मिरर भी दे देता है और कहता है जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी
इस बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। इसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह गया था। बीस्ट बेल को काफी मिस कर रहा था क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था, लेकिन अब तो वो उसे काफी दूर जा चुकी थी। अब क्योंकि बेल चली गई थी तो उनका कर्ज ऐसा ही रहेगा और वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इस बात को लेकर बीस्ट और उसके बाकी साथी काफी अपसेट हो जाते हैं। बेल अपने गाँव में पहुँच जाती है और वो देखती है कि उसके फादर को सब लोगों ने प्रिजनर बनाया हुआ है। बेल सबको बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। जंगल में एक पैलेस है और वहाँ पर एक बीस्ट रहता है, एक जानवर है वहाँ पर। लेकिन गांव वाले बेल की बातों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। तब वो उस जादुई मिरर में सब लोगों को बीस्ट दिखाती है। बीस्ट को उस मिरर में देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। बेल उन सबसे कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही वो कभी किसी को नुकसान पहुँचाता है। गैस्टन को ये बातें सुनकर रियलाइज हो जाता है कि बेल अब उस बीस्ट को प्यार करने लगी है। इसी वजह से गैस्टन जेलस हो जाता है, इसीलिए वो सबको भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तभी तो ये ऐसा बोल रही है। वो कहता है कि बेल को भी इसके फादर के साथ ही प्रिजनर बना दो। बाद में वो सब गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस पैलेस में जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार डालना चाहिए, वरना वो इस गांव में आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा, हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा वो। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए पैलेस में आते हैं तब बीस्ट के सारे साथी यानी वो चीजें उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं थे बल्कि बेजान चीजें थी। फिर हम देखते हैं गैस्टन को जो कोई बीस्ट के पास पहुंच चुका था, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बेल की जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो बेल को काफी मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट को कहता है, तुम क्या समझते हो कि बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि तुम्हें मारने के लिए उसने हम सब गांव वालों को भेजा है। ये कहते ही वो बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट जाकर नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट टेरेस के एक टॉप को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि गैस्टन दूसरी गोली चलाता बेल वहां पर आ जाती है। गैस्टन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। इस फाइट में गैस्टन भी जाकर नीचे गिर जाता है, गैस्टन की गन भी उसके हाथ से गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है। वो बीस्ट को बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुके। बेल को वहां देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है और अब वो गैस्टन का मुकाबला करना चाहता था और अब वो पहुंच जाता है गैस्टन के पास। वो गैस्टन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में कर देता है और बीस्ट गैस्टन को काफी ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टन बीस्ट से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत फेंको, प्लीज बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उससे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूं। ये कहते ही बीस्ट गैस्टन की जान छोड़ देता है और उसे कहता है चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट आ जाता है बेल के पास। मौके का फायदा उठाकर गैस्टन अब पीछे की तरफ से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी जाकर नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गैस्टन मर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो काफी इंजर्ड था और अपने आखिरी सांस गिन रहा था। बेल बीस्ट को कहती है कि अब के बाद में तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, जिस पर बीस्ट कहता है लेकिन अब मेरी तो जाने का वक्त हो गया है, जिस पर बेल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे यानी वो चीजें थी वो भी एकदम से बेजान हो जाती है। बीस्ट को मरता हुआ देख कर बेल को काफी दुख होता है और उसकी आँख में आंसू होते हैं। यहाँ पर बेल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट को कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो बीस्ट के करीब भी आती है। तभी वहाँ पर एगथा भी आ जाती है, एगथा जिसे गांव के लोगों ने निकाल दिया था। असल में बात ये नहीं थी बल्कि वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि एगथा थी। वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है, यानी अब वो कर्ज खत्म हो गया है। और देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी चमक उठती है और बीस्ट अब एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। और पैलेस की जितनी भी कर्ज चीजें थी अब वो इंसान बन गई थी, यानी अपने असली रूप में आ चुकी थी। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। बेल और बीस्ट पैलेस में सब लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।